here to subscribe. मैं टीवी पर दिखना चाहता हूँ। जूजू टाउन में एक नई सुबह। हेलो मिस्टर हब। ओ टीटीपो, आज काम पूरा करके सीधा घर ही आना। क्यों? टीवी वाले सभी ट्रेन्स का इंटरव्यू करने के लिए आ रहे हैं, उसके बाद वो एक सबसे अच्छी ट्रेन चुनेंगे। वाह! इसका मतलब ये हुआ कि मैं टीवी पर आऊंगा? हाँ बिल्कुल, दूसरी रेल भी जल्दी घर आ रही है, इसलिए लेट मत होना। नहीं होऊंगा, अब मैं काम पर चलता हूँ। टीवी पर देखने की बात सुनकर टीटीपो बहुत उत्साहित है। मिलिए दुनिया की बेहतरीन रेल टीटीपो से। सबको मेरा हेलो। सबका दोस्त, सुरक्षित और समय पर पहुंचाने वाला सबसे मेहनती टीटीपो, सबसे अच्छी ट्रेन का इनाम इसे ही मिलना चाहिए। सभी को गुड मॉर्निंग। हेलो। टीवी पर आने के बाद मैं स्टार बन जाऊंगा। सभी को हेलो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सब मुझे चाहते हैं। टीटीपो, हाँ? तुम अब तक जा क्यों नहीं रहे हो? माफी चाहता हूँ। काम के समय सपने मत देखा करो, अपने काम पर पूरा ध्यान दो। जी सर। लगता है टीवी के लोग पहुंच चुके हैं। तैयार, स्टार्ट। आपका स्वागत है, आज हम मौजूद हैं चूचू शहर में और मेरे साथ है चूचू शहर की ट्रेन मास्टर। ट्रेन के बारे में बताइए सर। आप सभी को हेलो। बहुत सी रेलों में चूचू शहर, मेरा मतलब है चूचू शहर में बहुत सारी रेल रहती हैं। मिस्टर हर, क्या? आराम से बोलिए, घबराइए मत। अच्छा ठीक है। अब हम इस शहर की दो रेलगाड़ियों के घर में हैं। दिन भर हम रेलगाड़ियों से बातें करेंगे। सबसे पहले हम इन दो रेलगाड़ियों से मिलेंगे। हेलो, क्या आप अपने काम के बारे में बताएंगे? जी हाँ जरूर, क्यों नहीं। मेरी तरफ मत देखिए, उधर देखिए, कैमरा उधर है। सभी को हेलो, हम दोनों यहाँ की सर्विस रेल हैं। हम मुसीबत में ट्रेन्स की मदद करते हैं। वाह क्या बात है, अरे आपने अपना नाम ही नहीं बताया। मैं हूँ सर्विस रेल फिक्स। और मैं हूँ उसका साथी बेहतरीन लेव। बुया, बुया। क्या आप सुनना चाहेंगे हमारा रैप? हमारा एक खास रैप है जिसे हम काम पर जाते वक्त गाते हैं। चलिए सुनाइए। फिक्स, फिक्स, मेरा नाम है फिक्स। फिक्स। एक मिनट जी, खदान में एक दुर्घटना हो गई है, वहाँ तुम्हारी जरूरत है। सुनो लिफ्ट, हमें जल्दी चलना है। ठीक है, क्या आपको अभी जाना होगा? हाँ, हम आपको रैप अगली बार सुनाएंगे। हम माफी चाहते हैं आपसे। कोई बात नहीं, चलो चले। हम स्टेशन पहुँच गए। मेरा काम खत्म हो गया, अब जल्दी से शहर चलता हूँ। आओ बेटा, ये रेल डरावनी है। नानी माँ के पास जाना है तो इसमें बैठना पड़ेगा। ओह, ये क्या मुसीबत है अब? मुझे बहुत डर लग रहा है। कोशिश करता हूँ उनकी मदद करने की। वापस जाओ टीटीपो। अगर जल्दी नहीं पहुँचे तो टीवी पर आने का मौका गवा दोगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, मुझे वापस चलना चाहिए। रुक जाओ। एक अच्छी रेल जरूरतमंद यात्रियों को छोड़कर नहीं जाती। तुम्हें वहाँ जाकर छोटे बच्चे की मदद करनी चाहिए। बेकार की बातें मत सोचो, सोच समझ कर फैसला लो, तुम बन सकते हो सुपरस्टार। बच्चे को भूल जाओ और वापस शहर चले जाओ। मतलब ही मत बनो, सही तो यही होगा कि तुम बच्चे की मदद करो। इसकी बात मत सुनो, सुनोगे तो टीवी पर नहीं आ पाओगे। बस बहुत हुआ, मैं जरूरतमंद यात्री को नहीं छोड़ सकता। टीटीपो, टीटीपो, टीटीली टीटीपो, मस्ती में चलती रहे छोटी रेल टीटीपो। टीटीपो, टीटीपो, टीटीली टीटीपो, पटरी में चलती रहे टीटीली टीटीली टीटीपो। होई मॉम, इस ट्रेन को देखिए, कितनी फनी हो तुम। बिल्कुल हूँ, मैं डरावना भी नहीं हूँ ना। अब तो ट्रेन में जाओगे ना तुम? हाँ मॉम। मदद के लिए शुक्रिया छोटी ट्रेन। ये मेरा फर्ज है।
डिपो। जीनी वापस चूचू शहर आ गई। मैं काम करके आ गई। क्या हम बात कर सकते हैं? बात? क्या हम आपका छोटा सा इंटरव्यू ले सकते हैं? जरूर। मैं लिए छोटी रेल से जो अभी अभी काम से लौटी है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जीनी, एक पैसेंजर ट्रेन। तुम अभी काम से लौटी हो और फिर भी इतनी साफ और चमकती हुई? क्योंकि मैं यात्रियों को लाती ले जाती हूँ, मुझे साफ रहना ही चाहिए। जीनी। जी सर। एक मेहनती मालगाड़ी अभी अभी काम से लौटी है। ये है जी सर। आपसे मिलकर अच्छा लगा। पर ये कैमरा क्यों लगा रखा है? जी सर, ये हमारी फिल्म बना रहे हैं। क्या, हमारी फिल्म बना रहे हैं? ओह, आज मैंने खदान में काम किया इसलिए मैं बहुत गंदा हूँ। इससे साबित होता है कि तुम मेहनती हो, बहुत ही अच्छे लग रहे हो। मैं अच्छा लग रहा हूँ? मुझे मालूम था आप भी यही बोलेंगी। अच्छे लग रहे हो। बाय टीटीपो। बाय बाय। तुम्हारा शुक्रिया टीटीपो। मदद करके अच्छा लगा। टीटीपो जी, कहिए मिस्टर हब। तुम हो कहाँ? मैं अभी स्टेशन पर हूँ, अब शहर आ रहा हूँ। चलो अच्छा हुआ। तुम्हारे पास एक रेल खराब हो गई है, वहाँ जाकर तुम उसकी मदद कर दोगे प्लीज? तो फिर क्या होगा इंटरव्यू का? सबसे पास तुम ही हो, इसीलिए माफी चाहता हूँ। ठीक है। रेल तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है, अगर मैं टीवी वालों से मिलकर बातें कर पाता तो कितना मजा आता। लेकिन साथ ही रेल की मदद करना ज्यादा जरूरी है, तो ठीक है मैं चलता हूँ। और इंटरव्यू लेने की जरूरत है? नहीं, मेरे ख्याल से हमने आज काफी इंटरव्यू कर लिए हैं। तो क्यों ना हम दूसरी रेलगाड़ियों से भी बात कर लें? तो फिर चलो। ये ट्रेन चलने कब शुरू होगी? मैं माफी चाहता हूँ। मदद के लिए मैं आ गया। ओ, कितना अच्छा हुआ तुम आ गए, पता नहीं क्यों लेकिन मैं चल नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारे सभी यात्रियों को मैं ले जाऊंगा। शुक्रिया टीटीपो। फिक्स और लिफ्ट यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे, चिंता की कोई बात नहीं। आपका स्वागत है, अब ये रेल जाएगी। अब हम चल रहे हैं। रुको, मैं आ रहा हूँ, प्लीज मेरे लिए रुको। लेकिन मुझे जल्दी वापस जाना है। देखो तुम चले मत जाना। अभी नहीं चलूँगा, अगर अभी चल पड़ा तो दादाजी घर नहीं पहुँच पाएंगे। ध्यान से सुनिए, हम यहाँ से तब चलेंगे जब ये वृद्ध व्यक्ति चढ़ जाएंगे। धन्यवाद। अब हम चल रहे हैं। आखिरकार काम पूरा करके टीटीपो वापस शहर पहुंच गया। अरे दोस्तों, कहाँ है टीवी वाले? वो तो चले गए, अब तो शो शुरू होने वाला है, मजा आएगा। हम सब एक साथ देखेंगे, जल्दी आ जाओ, इंतजार नहीं हो रहा है। अफसोस, मैं उसमें नहीं होऊंगा। अरे बाप रे, टीटीपो दुखी है कि वो इंटरव्यू नहीं दे पाया। ये कब शुरू होगी? बस थोड़ी ही देर में। हाय दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा। हेलो। हाँ, ये शुरू हो गया। ट्रेन के बारे में बताइए सर। मिस्टर हब बोल रहे हैं। वाओ, कैसे बोल रहे हैं मिस्टर हब? वो थोड़ी घबराए हुए लग रहे हैं। अब हम सबके इंटरव्यूज आएंगे। आप सभी को हेलो, मेरा नाम है सिंह सिंह, मैं यात्रियों को जल्दी और सुरक्षित यात्रा कराती हूँ। वाह क्या बात है। चूचू शहर की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन है, ये है जुड़वा मालगाड़ी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मैनी। और मेरा नाम है बर्नी। वाह बढ़िया। आगे मिलते हैं एक छोटी रेल से जो अभी अभी लौटी है। छोटी रेल गाड़ियाँ अपने आप को टीवी पर देख कर बहुत खुश थी। अच्छा लग रहा था ना? तुम बहुत अच्छे लग रहे थे। सिर्फ मैं टीवी पर नहीं आया। देखो टीटीपो। एक रेल में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से बहुत से यात्री स्टेशन पर ही फंस गए हैं, लेकिन एक छोटी रेल पहुंच गई है उनकी परेशानी दूर करने के लिए। आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
हम तब चलेंगे जब ये चढ़ जाएंगे। टीटी पो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस रेल की वजह से सबसे अच्छी रेल तुम ही हो टीटी पो। शुक्रिया दोस्तों। चलिए देखते हैं यात्रियों का क्या कहना है। तुमने मेरा इंतजार किया इसलिए मैं सुरक्षित घर पहुंच पाया। धन्यवाद टीटी पो। टीटी पो ने मेरे लिए गाना गाया। टीटी पो टीटी पो टीटीली टीटी पो। ओ, ये तो वो बच्चा और दादाजी हैं जिनकी मैंने मदद की थी। तो ये रेलगाड़ियाँ इसी तरह हर रोज मेहनत करती हैं ताकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो, इसलिए इन सब का शुक्रिया। उम्मीद है कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप सबका शुक्रिया। तुम कमाल के हो टीटीपो। हाँ, मैं तो तुम्हें ही देखती रह गई। तुम सबसे अच्छे हो टीटीपो। सच कहा, ये बिल्कुल मेरे जैसा है। शुक्रिया दोस्तों। टीटीपो शो में आ ही गया। बहुत बहुत मुबारक हो टीटीपो। मैं बहुत खुश हूँ मैं टीवी पर आया। डीजल का खजाना। हाँ, ये आवाज कैसी है? ओ, छोटी ट्रेन्स फिल्म देख रही है। बचो यहाँ से। शायद गार्डन एक्स वहाँ से सबको बचा कर ले जाएगा। ये बिल्डिंग धमाके से नीचे गिरने वाली है। आ गए, डरने की जरूरत नहीं, अब तुम सुरक्षित हो दोस्त। गार्डियन एक्स। अगला दिन शुरू हो चुका है। डीजल हमेशा की तरह मेहनत से काम कर रहा है। जल्दी से काम खत्म हो जाए तो मैं गार्डियन एक्स की मूवी देखूं। एक मिनट रुकिए। कैसे हैं? गार्डियन एक्स यहाँ। विश्वास नहीं होता कि आप मेरे सामने हो। तुम्हें रोकने के लिए माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं, मुझे हीरो स्टूडियोज जाना है। तुम्हें पता है कि कहाँ है? हाँ पता है, सीधे चौराहे पे जाइए, फिर दाहिने मुड़ी और सीधे जाइए। वाह, गार्डियन एक्स मुझसे बात कर रहे हैं, ये जरूर सपना है। बहुत मजाक किया हो। तुम्हारा नाम क्या है छोटी ट्रेन? जी डीजल है। बहुत बहुत शुक्रिया डीजल। एक मिनट। हाँ? वो मुझे एक काम है आपसे। काम? अपना काम पूरा करने के बाद डीजल वापस चूचू टाउन जा रहा है। अरे ये तो टीटीपो है। टीटीपो, कैसे हो दोस्त? हेलो। जरा मुझे देखो, क्या मुझमें कुछ अलग दिखाई दे रहा है? तुम्हारे चेहरे पर जो धूल है उससे लगता है तुमने कोयला खींचा। धूल को छोड़ो, जरा मेरी साइड में तो देखो। साइड? ये तो गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ है। ये तुम्हें कैसे मिला? मैंने उसे रास्ता बताया और उसने मुझे ऑटोग्राफ दिया। वाह, तुम कितने लकी हो। मैं बहुत लकी हूँ। लेकिन जानते हो, ये तो मिट जाएगा जब तुम नहा कर आओगे। तो मैं कभी नहीं नहाऊंगा। ये मेरा सबसे बड़ा खजाना है, मैं जल्दी जाकर सबको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन डीजल, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। लेकिन काम पर तो उसे साफ सुथरा ही जाना पड़ेगा। डीजल ने अपने हर दोस्त को गार्डियन एक्स के ऑटोग्राफ दिखाए। हाय जीनी, जानती हो आज मैं गार्डियन एक्स से मिला। गार्डियन एक्स से मिले? वाव, तुम्हें गार्डियन एक्स के ऑटोग्राफ मिले? कितना मस्त है ना? हाँ, अगर आज मैं नहीं होता ना तो गार्डियन एक्स शूटिंग पे नहीं पहुँच पाता। अच्छा, तुमने कमाल कर दिया डीजल। उसने थैंक यू कहते हुए मुझे ऑटोग्राफ दिया है? ये देखो, मस्त है ना? ये तो साफ पता चल रहा है कि मैं नहाया नहीं हूँ। अगर मिस्टर हब ने मुझे ऐसे देख लिया तो तुरंत मुझे नहाने के लिए भेज देंगे। डीजल, कितनी बार कहा है कि काम पर जाने से पहले नहाया करो। अब मैं क्या करूँ? मैं सुबह जल्दी उठूंगा और मिस्टर हब से बचकर निकल जाऊंगा। कितना समझदार हूँ मैं। चूचू शहर में एक नई सुबह की शुरुआत और डीजल चुपके से काम के लिए निकल रहा है। मैं आवाज किए बिना जाता हूँ, चुपचाप चुपचाप।
तरकीब कामयाब हो गई। गुड मॉर्निंग। आज जल्दी आ गए डीजल। बिल्कुल, तो आज मैं क्या ले जा रहा हूँ? आज तुम्हें यहाँ से खाद के बोरे ले जाने हैं। ठीक है। वो ऑटोग्राफ। तुम्हें पता है क्या? क्या? मेरे पास कुछ मस्त है, देखकर हैरान हो जाओगे तुम। बिना बताए पीछे मत आओ। क्या तुम ठीक हो डीजल? मैं ठीक हूँ। ये बदबू कैसी आ रही है? खाद के कुछ बोरे फट गए हैं। खाद में बहुत बदबू होती है। डीजल, तुम काम के बाद नहा लेना। पर क्या बिना नहाए मेरा काम नहीं चल सकता? ऑटोग्राफ। यहाँ इस तरफ खाद आ गई है। तुम में से बदबू आ रही है। आज तुम इतने गंदे क्यों हो डीजल? माफ कीजिए। काम के बाद तुम्हें सीधा नहाने के लिए जाना होगा। अब मैं क्या करूं? कितना प्यारा पपी है। अरे मेरे ऊपर नहीं, गंदा पपी। मैं नहा भी नहीं सकता हूँ, क्या करूं मैं अब? टिटीपो टिटीपो। पूरी तरह गंदा होने के बाद डीजल चूचू टाउन पहुंचा। हाय दोस्तों। हेलो डीजल। तुम ऑटोग्राफ फिर से देखोगे? नहीं शुक्रिया। अरे पर ये गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ है, देखो तो सही तुम। तुमसे बदबू आ रही है। क्या सच में बदबू आ रही है? हाँ। ठीक है फिर, मैं नहा ही लेता हूँ। बिल्कुल सही फैसला लिया तुमने, हम ट्रेन वॉश तक तुम्हारे साथ चलते हैं। टीटीपो और जीनी डीजल को ट्रेन वॉश ले गए। ठीक है, तुम अंदर जाओ डीजल, तुम साफ हो जाओ, फिर खेलने चलेंगे। ठीक है। कितनी ट्रेन के पास मेरा ऑटोग्राफ है? सिर्फ तुम्हारे पास डीजल। मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ नहीं मिटाऊंगा, मैं नहीं नहाऊंगा। टीटीपो और जीनी को अपने दोस्त डीजल की बहुत चिंता हो रही है। समझ नहीं आता, अगर वो नहीं नहाएगा तो बदबू बढ़ती जाएगी। बिल्कुल ठीक। ये ठीक रहेगा, लगता है आज जरूर बरसात होगी। टीटीपो, हम डीजल के साथ पिकनिक पर चलते हैं। पिकनिक? लेकिन आज बरसात होगी। वही तो, अगर उस पर बरसात हो जाए तो वो अपने आप साफ हो जाएगा। वाह जीनी, तुम बहुत समझदार हो। चलो अच्छा किया कि मैं नहाया नहीं, गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। देखो मैं नहाने वाला नहीं हूँ। हम यहाँ इसलिए नहीं आए डीजल, हम पिकनिक पर चलते हैं। पिकनिक? ठीक रहेगा। बढ़िया। छोटी रेलगाड़ियाँ घूमने जा रही हैं। बादल घिरे हुए हैं, लगता है आज बारिश होगी। ऐसा कुछ नहीं है, चिंता मत करो। ठीक कहा, वैसे भी हम पहुँचने वाले हैं। देखो बारिश हो गई, जल्दी से चूचू टाउन चलते हैं। लेकिन क्यों? क्या तुम्हें बरसात अच्छी नहीं लग रही है? हाँ बिल्कुल, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? हाँ वैसे मजा आ तो रहा है। अरे नहीं, गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ धुलकर मिट रहा है। बारिश रुक गई। डीजल, तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा? इस बारे में? फिर से साफ होकर। मेरा ऑटोग्राफ। दोस्तों बताओ, क्या वो अब भी मुझ पर है? ओ, नहीं वो धुल गया। क्या? लेकिन अच्छा ये हुआ कि तुम साफ हो गए और तुमसे बदबू नहीं आ रही। ऑटोग्राफ धुल गया? तुम दोनों जानते थे कि बारिश होगी और चालाकी से मुझे यहाँ ले आए तुम। हम तुम्हारा भला चाहते थे। लेकिन तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ। डीजल, डीजल हमसे बहुत नाराज है। बुरा लग रहा है। हम किसी तरीके से उसे फिर से ऑटोग्राफ नहीं दिलवा सकते? हाँ, मुझे एक आइडिया आया।
अगर हम उस स्टूडियो में जाएं जो डीजल ने बताया था तो हम गार्डियन एक्स से मिल सकते हैं। जो हुआ वो बताकर हम फिर से ऑटोग्राफ ले लेंगे। अच्छा आइडिया है, तो अभी चलते हैं। ठीक है। डीजल, डीजल, चलो बाहर आ जाओ। क्यों आऊं मैं अब? तुम्हारी वजह से मेरा सबसे कीमती खजाना चला गया। डीजल, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। बाहर नहीं आए तो बाद में पछताओगे। डीजल, अरे बाहर तो आओ। टीटीपो, मुझे पता है कि तुम गार्डियन एक्स की आवाज निकाल रहे हो। ठीक है, मैं तुमसे मिलने आया था, पर चलो अब वापस चला जाता हूँ। क्या ये सच में गार्डियन एक्स होगा? डीजल, गार्डियन एक्स, क्या हाल है दोस्त, फिर मिल गए हम। जानता हूँ मैं नकलें अच्छी करता हूँ, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं। चुप। डीजल, सुना मेरा ऑटोग्राफ मिट गया है? वो मेरा अनमोल खजाना था। अरे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए, ये लो। उम्मीद है ये तुम्हारे पास ज्यादा वक्त तक रहेगा। गार्डियन एक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे शुक्रिया मत कहो, शुक्रिया तुम्हें अपने दोस्तों का करना चाहिए। दोस्तों का? तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए एक और ऑटोग्राफ लेने आए थे। टीटी पो और जीनी ने पूरा दिन मेरी शूटिंग खत्म होने का इंतजार किया। इसीलिए यहाँ पर आए आप। शुक्रिया दोस्तों, मेरे लिए कितना सोचते हो तुम। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। हम खुश हैं क्योंकि तुम खुश हो डीजल। तो यहाँ आने के लिए शुक्रिया गार्डियन एक्स, क्या मुझे ऑटोग्राफ दोगे? अपने दोस्तों की वजह से डीजल को एक नया खजाना मिला। मुबारक हो डीजल। हमारा नया दोस्त लोको। एक नई सुबह की शुरुआत हुई। टीटीपो और छोटी रेलगाड़ियाँ मिस्टर हर्ब के पास जा रही हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर हर्ब। गुड मॉर्निंग बच्चों। मिस्टर हर्ब, सुना है आज एक नई रेल आएगी। ठीक सुना है टीटीपो। क्या तुम प्रोडक्शन प्लांट जाकर उस ट्रेन को यहाँ ले आओगे? जी मैं ले आऊंगा। जब वो यहाँ आ जाएगी तो जीनी उसे शहर दिखा देगी और डीजल उसे अभ्यास कराएगा। ठीक है मिस्टर हर्ब। ठीक है, अब तुम्हें जाना चाहिए टीटीपो। ठीक है, लौट कर मिलता हूँ। तो शहर में एक नई रेलगाड़ी आ रही है। पता नहीं ये नई रेलगाड़ी कैसी होगी। हाय टियो। हेलो टीटीपो। मैं नई रेल को लेने आया हूँ। कहाँ है वो? वो आती ही होगी। ओ, वो आ गई। ए, टियो। हेलो लोको, तुम जाने के लिए तैयार हो? हाँ, लेकिन मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। डरने की जरूरत नहीं, शहर का तुम्हारा साथी आ गया है। हेलो कहो टीटीपो। हेलो, मैं हूँ टीटीपो। हेलो, मेरा नाम है लोको। कुछ समय पहले टीटीपो भी तुम्हारी तरह नया था। वो पुरानी बात है, अब मैं शहर की सबसे अच्छी रेलगाड़ियों में से एक हूँ। हाँ, अच्छी रेलों में से एक। मेरी तरह काम करना। थैंक्स, मैं जरूर करूँगा। तुम यहीं रुको। ठीक है। तैयार हो? हाँ। बाय टियो, अब हम चलते हैं। ठीक है, ध्यान से जाना, लोगों का ख्याल रखना तुम। जरूर रखूंगा। जल्दी मिलते हैं टियो, और तुम्हारा शुक्रिया। वाह, कितनी सुंदर जगह आ गए हम। यहाँ और भी बहुत सी सुंदर जगह हैं। मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा। बहुत मजे करेंगे हम। ये इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है। तुम्हारा मतलब है कि यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं? हाँ हाँ, अब से तुम्हें इस जगह पर कई बार आना पड़ेगा। वाह, तुम्हें तो सब पता है टीटीपो। नहीं। मुझे एक अच्छी जगह पता है, चलना चाहोगे? कैसी अच्छी जगह? वो पटरी एक बड़ी सी झील के किनारे है। चलो तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है। टीटीपो और लोको एक शांत गांव के इलाके से गुजर रहे हैं। ओ, मैं भूल गया
झील की तरफ कौन सा रास्ता जाता है? ओ, इस तरफ जाकर देखते हैं। अरे नहीं, ये क्या हुआ? टीटीपो ने तो गलत मोड़ ले लिया। टीटीपो, क्या हम वहाँ पहुँचने वाले हैं? हाँ, हमें बस थोड़ा सा और आगे जाना है। झील कहाँ है? मुझे नहीं पता, हम गलत रास्ते पर आ गए। मुझे माफ करना, हम चूचू टाउन ही चलते हैं। रास्ता भटक जाने के बाद टीटीपो और लोको आखिरकार चूचू टाउन पहुंच गए। हम आ गए मिस्टर हब। शाबाश टीटीपो, तो तुम हो नई रेल, स्वागत है। हेलो मिस्टर हब, मेरा नाम है लोको। लोको, लोकोमोटिव का छोटा नाम। अब तुम जाओ और सब रेलगाड़ियों से मिल लो। ठीक है, मेरे पीछे आओ। जरूर। मैं हूँ जीनी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है लोको। चलो मैं तुम्हें पूरा चूचू टाउन दिखाती हूँ। बड़ा मजा आएगा इसमें। तो चलो। ठीक है, फिर मिलते हैं। ये है ट्रेन वॉश। मैं तुम्हें बताऊँ ये कैसे काम करता है? बिल्कुल। जब हरी लाइट ऑन हो जाए, इसका मतलब अंदर जा सकते हैं। ठीक है। अरे, लगता है रेलगाड़ी धोने वाली मशीन में कुछ खराबी आ गई है। लोको, तुम ठीक हो ना? माफी चाहती हूँ। चलो दूसरी जगह चलते हैं। जीनी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ओ, क्या तुम हो नई रेल? लोको, ये है डीजल। हेलो डीजल। हेलो, तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम मेरे साथ खदान में चलोगे? बड़ा मजा आता है वहाँ। खदान में? चले जाओ। मैं तुम्हें शहर बाद में घुमा दूंगी। तो चलो चलते हैं। ठीक है। टीटीपो, टीटीपो। डीजल और लोको खदान पहुंच गए। तुम यहाँ पर क्या करते हो डीजल? मैं यहाँ से टूटे हुए पत्थरों को जरूरत वाली जगह पे पहुँचाता हूँ। वाह, कितना हिम्मत वाला काम है। वो वाली मशीन चट्टानें तोड़ती है और यहाँ मैं उन्हें लोड करता हूँ। चलो दिखाता हूँ कैसे। वाह, तुम तो कमाल के हो डीजल। ये तो मेरे लिए चुटकियों का खेल है। वाह, अगर हम यहाँ रुके रहे तो ऊपर से चट्टानें गिर सकती हैं। तो जरा ध्यान रखना तुम। डीजल, तुम ठीक हो ना? वो देखो, वो रहे टीटीपो और जीनी। मैं लोगों को ट्रेन वॉश दिखा रही थी और वो साबुन और बुलबुलों से ढका हुआ बाहर आया और मैं गलत जगह पर मुड़ गया। लोगों के साथ रास्ता भटक गया। कैसे हो दोस्तों? डीजल, तुम्हें क्या हो गया? अब क्या बताऊं? मैं लोगों को अपना काम दिखा रहा था, तभी ये हुआ। हमने भी गलतियाँ की। क्या तुम्हें लगता है लोको हमारी वजह से परेशान हुआ होगा? रेलगाड़ियाँ परेशान हैं कि उन्होंने लोको को तंग किया। एक नई सुबह की शुरुआत। टीटीपो! हाँ, क्या बात है? लोको चाहता है कि हम उससे घंटा घर पर मिलने के लिए चलें। लोको, तुम्हारी वजह से मेरा पहला दिन कितना खराब रहा। मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता। अगर उसने कहा हमसे दोस्ती नहीं करना चाहता तो? छोटी रेलगाड़ियाँ लोको से मिलने के लिए घंटा घर जा रही हैं। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लोको। वो सब कुछ जो तुमने मेरे साथ कल किया, मैं उससे खुश हूँ। क्या?
ये सच नहीं है। मैं रास्ता भूल गया और तुम्हें थका दिया। लेकिन मैं नहीं थका, मैं खुश था क्योंकि रास्ते में मुझे कई सारे नए दोस्त मिले। टीटीपो। हेलो लोको, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। ठीक है। एरिक एक कम्यूटर रेल है, इसलिए इसके रूट लंबे होते हैं, और सिंग सिंग चूचू टम की सबसे तेज रेल है। ओह, क्या बात है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी मिलकर अच्छा लगा। सबसे पहले मैं एरिक और सिंग सिंग से मिला। हम है जुड़वा मालगाड़ी। मैं हूँ मैनी। और मैं हूँ बर्नी। हेलो मैनी, बर्नी, तुम दोनों तो बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हो। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी, शायद हम अच्छे दोस्त बनेंगे। फिर मैं मिला मैनी और बर्नी से। चिकी चा। यो यो। हेल। तुम मिले, दिल खिले, तुम लोको, मैं फिक्स। मैं लेव। यो यो, दोस्त बन जाओ लोको। हे हे। आओ जुमुना चिकाए, चुचुटा में मौत बनाए। उसके बाद मैं मिला फिक्स और लिफ्ट से। सिर्फ टीटीपो की वजह से मुझे एक दिन में कितने सारे अच्छे दोस्त मिले। बहुत अच्छा किया टीटीपो। हाँ शायद। तुमने भी बहुत साथ दिया जीनी। क्या? मैंने? हाँ, तुमने मुझे पूरा शहर दिखाया। तुम मेरी सबसे अच्छी गाइड बनी। ये है कंट्रोल सेंटर। यहाँ मिस्टर हॉप काम करते हैं। बहुत व्यस्त होंगे। ये है कार डिपो, जो गाड़ी हम इस्तेमाल करते हैं यात्रियों के लिए और सामान लाने ले जाने के लिए, वो यहाँ रखी जाती है। वाह, ये कितने कमाल की जगह है। हाँ, जीनी की वजह से मैं पूरे शहर को अच्छे से जान गया हूँ। जान गए हो? मुझे अच्छा लगा। मेरे ख्याल से तुम मुझसे नाराज हो गए। नाराज और तुमसे? लेकिन क्यों? तुम मुझे अपना काम दिखा रहे थे, तब तुम्हारे साथ दुर्घटना हुई। क्या तुम ठीक हो डीजल? ए डीजल, क्या हुआ? मैं अपने निशान पर नहीं था, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। वाह, मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। लेकिन दुर्घटना के बाद भी तुम्हें हिम्मत से काम करते देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे तुम्हारे जैसा बनना है, एक बहुत ताकतवर और मेहनती मालगाड़ी। हे, हूँ ना मैं कमाल का? हाँ हाँ बिल्कुल हो, तुम सभी हो, सब बहुत अच्छे हो। बस थोड़ी सी मेहनत करके लोको, तुम हमारे जितने अच्छे बन जाओगे। हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन तब तक हम तुम्हारी मदद करते रहेंगे। बिल्कुल, तुम्हें जब जरूरत हो हम तैयार हैं। वाह शुक्रिया। छोटी रेलगाड़ियों का एक नया प्यारा दोस्त बन गया। चूचू टाउन में स्वागत है लोको।